सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाले। और ये पैटर्न मैं कल रात को 9 बजे के अप्रोक्स अपने वेबसाइट पर डाला था successkey98.in, लेकिन एक भी बच्चे कर नहीं पाए। मैं चाहता भी था कि कोई बच्चे कर ना पाए। आप बोलेंगे भैया आप चाहते थे, मतलब क्या है? मतलब ये है, मेरा मेन मोटो करवाने का है ना। देखो सक्सेस की 98 सिर्फ एक क्लास नहीं है, मतलब एक यूट्यूब पे आए वीडियो अपलोड कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी सारे चैनल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों को सही में सच में एक सही गाइडेंस मिले, ठीक है ना, क्योंकि वो फंसे ना। देखो क्या हो रहा है, ये पैटर्न इतना डिफिकल्ट है ना कि एक क्वेश्चन के कितने पैटर्न बन सकते हैं ये किसी को नहीं पता है। ये किसी बंदों को पता नहीं है कि कितना पैटर्न बन सकता है। अगर मैं एक एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है IBPS, अगर मैं खुद एक पैटर्न बना कर दूं या आप लोग बना कर दो खुद से पेपर सेट कर न्यू पैटर्न कोडिंग रिकॉर्डिंग का, तो वो एग्जामिनर भी नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं एक वर्ड में ना अपने हिंदी लैंग्वेज में तो बेकार है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकलेगा, और सारे टॉपिक भी तो है ना, रीजनिंग में तो और सारे टॉपिक भी है ना। ये मेंस में नहीं आएगा, लेकिन प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्री में ये नहीं करेगा तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल एग्जाम नहीं निकलेगा। हमारे पास प्री में नंबर चाहिए कितना, 20। अगर रीजनिंग में 20 चाहिए तो मैथ में 25, अगर मैथ में 20 तो रीजनिंग में 25, रीजनिंग में 20-25 उड़ जाएगा। कैसे? सिलॉक्स है 5 नंबर का, एक पजल तो करना ही पड़ेगा, 2 पजल वो तो छोड़ नहीं सकते। फिर डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, ये सब सारे टॉपिक भी तो कर सकते हो ना। देखो इसके साथ साथ न्यू पैटर्न सिलॉक्स भी न्यू पैटर्न बना, सिलॉक्स का भी न्यू पैटर्न आ रहा है, लेकिन वो कितना भी डिफिकल्ट हो मैं ऑलरेडी 3-4 पैटर्न करवा चुका हूं, रिवर्स वाला भी और जो आ रहा नंबरिंग का सब करा चुका हूं सिलॉक्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं बोल रहा हूं वो करिए, उसके पैटर्न जितने भी हार्ड हो जाए सिलॉगिज्म के। लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सम नॉट सम पॉसिबिलिटी वाले केस सारे अगर क्लियर है अच्छे से, तो पैटर्न कितना भी हार्ड हो जाए आप कर लोगे। लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग जो पहले क्वेश्चन आते थे ना वो इजी थे, बच्चों को लगता था कि वो 5 नंबर फिक्स्ड है, बिल्कुल वो 5 नंबर आपके पॉकेट में थे। लेकिन अब आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अब इजी नहीं रहा, अब ये टॉपिक इजी नहीं रहा, अब ये आपको क्या फंसाने वाला है एग्जाम में। देखिए IBPS ऐसे ही बच्चे खोज रहा है ना जो इस चीज को लेकर फंस जाए, ठीक है, ये बनेगा नहीं। अगर 2-3 मिनट में, अगर ये 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा बोलते बिल्कुल नहीं, अगर 1 मिनट में 40 सेकंड में अगर आप क्रैक कर ले तो क्रैक कर लेते हैं 1 या 2 वर्ड तो बाकी बन जाएगा। लेकिन अगर आप 3-4 मिनट दिए और नहीं बना तो वो 3-4 मिनट का सारा इफेक्ट कहां पड़ेगा, आपके पूरे के पूरे एग्जाम में। और आपके पास एक ही मौका है, अगर आपको इतना ही शौक है, इतना ही मतलब इंटरेस्ट है इस चीज में कि मुझे करना है 5 नंबर फिक्स्ड है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार वीडियो पॉज करो या फिर हमारे वेबसाइट पर जाओ, वहां से क्वेश्चन देखो, दो कर पाते हो कि नहीं। जब आप घर में ही नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में कैसे करेंगे, कभी आप ये तो सोचिए कम से कम, जब आप घर में ही नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कैसे होगा। या इससे पहले भी मैं वीडियो में 3-4 पैटर्न वाले करा चुका हूं, तो देखिए जब घर में ही एक पैटर्न भी क्रैक नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम टाइम पर उतने प्रेशर लेकर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऊपर में घड़ी चलता है टिक 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 60 मिनट का, हो पाएगा क्या? मैं तो बोलता हूं इससे अच्छा है कि आप एक पजल ट्राई कर लो, पजल पे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, और प्री के पजल इजी आ रहे हैं, 100% इजी होंगे, वो ज्यादा लेंदी बहुत बड़ा सर्कुलर रिलेशनशिप इनवर्ड आउटवर्ड ये सब नहीं आते हैं। जो रिसेंट में SBI PO प्री का एग्जाम हुआ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम हुआ जो IBPS करवा रहा है, उसके प्री के पजल कैसे थे, बहुत इजी थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पजल नहीं बनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं इससे अच्छा है कि आप पजल ट्राई कर लो, क्योंकि पजल पर तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब यही है, प्लीज जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो 4 एग्जाम बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे बच्चे सपने देख रहे हैं उस चीज को लेकर, बहुत सारे बच्चे 1-1.5 साल से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार, और मैं समझ सकता हूं उनके डिप्रेशन लेवल को, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव किया जाए, अब नहीं होगा हमसे, तो बच्चे टूट क्यों रहे हैं, यही छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं प्लीज इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं,
इस पैटर्न को आपको टच नहीं करना एग्जाम में, वरना फंस जाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है। इसकी क्वेश्चन देखिए एक है, ये क्वेश्चन है इसके कोडिंग के लिए, ये क्वेश्चन ये इसके कोडिंग, ये क्वेश्चन ये कोडिंग। अगर मैं इसके हजार इस सेम क्वेश्चन पे ना हजार पैटर्न बना सकता हूं, हजार लॉजिक लगा सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। अब क्या लॉजिक किसमें फॉलो कर रहा है ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो हाथ जोड़ से जोड़कर आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज इस चीज को आप लोग इग्नोर करो एग्जाम में, वरना एग्जाम में आप लोग फंस जाओगे, ठीक है ना। देखिए क्या था क्वेश्चन में, क्या था कि, और ये क्वेश्चन तो मैंने उतना डिफिकल्ट भी नहीं बनाया, थोड़ा इजी थे। अगर मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दूं ना तो फिर तो नहीं बनेगा, दुनिया का किसी इंसान से नहीं बनेगा। बताते हैं क्यों, क्या लफड़ा है, मेरे से भी नहीं बनेगा। अरे हमको भी कोई लाकर दे देना कि भैया आप क्रैक कर दो, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब क्या, ये बहुत हार्ड है, एग्जाम के टाइम ये अटेम्प्ट करना क्या मुश्किल है। IBPS वैसे ही बच्चे खोज रहा है जो बच्चे इसके चक्कर में फंस जाए, तो आपको उसके चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है ना। देखिए आपके पास क्या क्या, सक्सेस की 98 फ्री एडुकेशन प्लेटफॉर्म, इसके कोडिंग ये दिए हैं, आपको बताना है कि इसके कौन सा कोड है फॉलो कर रहा है। अब देखिए K$B13Q+L5H@B3Y(R2), किसका क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब में ऐसे ही है, लेकिन आप इसका करने का तरीका क्या है, आप देखिए सब में सिंबल है, सिंबल का कोई ना कोई तो गेम होगा ना, सिंबल का कोई ना कोई लफड़ा फंडा तो होगा ना, तभी तो सारे कोडिंग में सिंबल दिए हुए, प्लस डॉलर डॉलर प्लस प्लस डिवाइडेड इनटू, कुछ तो लफड़ा है ना, कुछ तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है देखो, सक्सेस की 98 कितने वर्ड का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 वर्ड का है, ये हमारा 12 वर्ड का है, ठीक है। फ्री 4 वर्ड का है, एडुकेशन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 वर्ड का है, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, ये 2, 2, 4, 2, 6, ये 8 वर्ड का है, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और मुझे चाहिएगा, अगर आप एक या दो क्रैक कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन पूरा इजिली क्रैक हो जाएगा, लेकिन ये यही तो इजी नहीं है, यही तो इजी नहीं है। अब देखिए IBPS क्लर्क 17 कितने वर्ड का है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 11 लेटर का है, ये 11 लेटर का है, ये 3 प्रिपेयरिंग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 वर्ड का है, अब ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये 8 वर्ड का है। देखो बहुत मुश्किल है इसको क्रैक करना, मैं क्या बोलूं, आप अगर इसको छोड़ देते हो ना तो इसी में आपकी भलाई है। देखो बाकी नहीं देखना है, सिर्फ दो में ही आप क्रैक कर लोगे, अगर आपका लॉजिक, अगर वहां पर आपका माइंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर गया तो। देखो 8 वर्ड के 2 लेटर है, एक तो ये 8 का प्लेटफॉर्म है, एक स्टूडेंट है, 9 वर्ड के एक प्रिपेयरिंग है, एक एडुकेशन है, और हमारे पास सिंबल क्या क्या है, डॉलर 1 है इसमें, डॉलर 1 है, मतलब डॉलर 8, 9 में नहीं जा रहा है, प्लस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 1 और 2, मतलब प्लस 8 या 9 लेटर को जरूर फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है पता नहीं। और देखते हैं इनटू 1 है और इनटू 2 है, मतलब इनटू और प्लस 8 9 में से किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। मैं बता दे रहा हूं पूरा आपको था क्या, आप रियलाइज कर पाओगे कितना हार्ड है। देखिए हमारे पास डाटा मैंने रेडी करवाया था, खुद से बनाया था मैंने इस क्वेश्चन को, देखिए जो भी 3 वर्ड के होंगे ना उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। 12 वाले को क्या फॉलो कर रहा है, एट द रेट, 4 वाले को डॉलर, 8 वाले को प्लस, 9 वाले को इनटू, 11 वाले को डिवाइडेड, ये फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लेटर हुए ना उसमें सिंबल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कैसे पता लगाए कौन सा क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो पहला तो मैंने बताया था आपको इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हो न्यू पैटर्न वाले, कि अगर आपको क्रैक करना है तो ABCD A से Z तक आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए लेटर के, और उसके रिवर्स वाले भी, दोनों कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट बना सकता है अगर एग्जामिनर चाह दे तो। देखिए पहले ए से जेड तक लिखते हैं हम, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग लिखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. अब देखो रिवर्स में लिख लो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब इतना हो गया रिवर्स और दोनों और नंबरिंग भी हो गए. अब देखो सक्सेस की 98 12 वर्ड का है, लेकिन उससे पहले नौ वाले में क्या हो सकता है, या तो इंटू या तो प्लस, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, या फिर प्लेटफॉर्म का ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. था क्या इसमें स्टार्टिंग के सेकेंड लेटर, एडुकेशन का सेकेंड लेटर क्या है, डी डी है. यही ट्रिक था, ट्रिक मतलब यही फंडा था इसमें, लॉजिक डी था. अब डी को क्या करना है डायगोनली, देखो डी है, अब डी का क्या हो सकता है ऐसे, मतलब पहला वर्ड वाई होगा, देखो ये नंबर टू उसका डायगोनली वाई. अब ये नाइन को क्या फॉलो कर रहा है, नाइन लेटर को, जो एडुकेशन का जितना भी लेटर है वर्ड है वो उसको क्या फॉलो कर रहा है, इनटू, ठीक है, मतलब नाइन वाले को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना. अब देखो ये आर कहां से आया, इधर से एंड से थ्री नंबर, मतलब एक दो तीन, आई आई का अपोजिट रिवर्स में, तो आई का अपोजिट क्या हो रिवर्स में, या फिर ऐसे आई का आर, 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 देखो आई का आर है मतलब आई का आर होगा, तो देखो आई का आर हो गया इसका. अब ये टू कहां से आया, फर्स्ट और सेकेंड लेटर के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर उसमें प्लस वन करना है. ई कितने पे स्टैंड है, पांच पे, डी चार पे, पांच माइनस चार एक, एक प्लस एक दो. देख रहे हो ना कितना डिफिकल्ट है, मैं अगर चाहूं तो इससे भी बहुत डिफिकल्ट बना सकता हूं, ऐसा कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं. अगर अच्छा एग्जाम में अगर इतना हार्ड बना दिया जाए तो आप जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं सर इतना हार्ड आप मत बनाइए ये बेकार है, बोल तो नहीं सकते ना. तो आपको क्या करना, बचना इस चीज से. अब देखो इसका तो पता चल गया ये एडुकेशन का है, अब ये किसका था, प्लेटफॉर्म का, तो आठ वर्ड का है, आठ वर्ड के लिए प्लस कर रहा है, ठीक है. और क्यों कैसे आया, मैंने बोला ना सेकंड लेटर का डायगोनली एल है, एल एल कहां पर है, एल 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 का क्या होगा क्यू, ठीक है क्यू आ गया. और ये एल कहां से आया, इधर लास्ट से तीन, एक दो तीन, मतलब ओ का अपोजिट क्या है, एल, ठीक है. और फाइव कहां से आया, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस प्लस वन, क्यू और एल का डिफरेंस क्या हुआ, पी और एल का, P कितने नंबर पे, P है 16 पे, L 12 पे, 16 माइनस 12 4, 4 प्लस 1 5. तो सारे में यही फॉलो कर रहे हैं, सारे लॉजिक यही फॉलो कर रहे हैं. अब आपको क्वेश्चन कुछ भी दे दे आप कर लोगे, लेकिन यही चीज तो क्रैक करना बहुत मुश्किल है एग्जाम में. इसके क्या लॉजिक है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है. देखो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि आईबीपीएस प्रीलिम्स का कोड क्या होगा, आईबीपीएस प्रीलिम्स के कोड क्या होंगे, ये कितने वर्ड का, पहले तो आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 तो क्या फॉलो कर रहा है, डिवाइड, मतलब एक डिवाइड तो आएगा ही आएगा, ठीक है. अब स्टार्टिंग का दो नंबर क्या है, बी. अब देखो इस चीज को भी क्रैक करना बहुत मुश्किल है, बच्चे लोग समझ नहीं पाएंगे, बी है ना. अब बी का क्या होगा, एंगल कुछ तो आगे है नहीं, बी के आगे तो कुछ है नहीं, लेकिन आप एक चीज देखो यहां अगर जेड लिखते हैं, जेड तो फिर स्टार्ट होगा, जेड के बाद ए बी सी डी, जेड के बाद एबीसीडी से स्टार्ट होगा, उधर से ऊपर से और नीचे से क्या स्टार्ट होगा, नीचे से फिर जेड का अपोजिट क्या होगा, ए. तो क्या होगा जेड का अपोजिट, क्या होगा जेड का अपोजिट होगा ए, ठीक है. तो ये क्या होगा हमारा आगे वाला नंबर, आगे वाला ए होगा. अब लास्ट से थर्ड नंबर क्या है, एक दो तीन आई, आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट सबको पता है, एक बार कर चुके हैं, आई का अपोजिट आर, ठीक है. अब आई और बी का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकेंड लेटर का डिफरेंस प्लस वन, आई और बी का डिफरेंस कितना होगा, आई नाइन नंबर पे है, बी कितने पे है, दो पे, नाइन माइनस टू कितना होता है, सेवन, सेवन प्लस वन एट. देख रहे हो ना कितना लॉजिक हार्ड है, और मैं थोड़ा आसान बना दिया. आपको एग्जामिनर चाहे तो एस यहां से यहां भी कर सकता है, इंटू टू प्लस डिवाइडेड बाई फोर कुछ भी कर सकता है. फिर क्या करोगे, फिर कहने का मतलब यही है, देखिए अब आपके ऊपर है आपको एग्जाम ये करना है या नहीं करना है,
ठीक है ना। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो, मेरा मोटा तो आपको बताना बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। सो आप लोगों का थैंक यू, सारे बच्चों से शेयर कीजिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू।